बुलंदशहर पुलिस लोगों के आवागमन पर भी रोक लगा रही है और हर व्यक्ति को बेवजह घूमने पर दंडित भी कर रही है और पुलिस द्वारा जगह जगह लोगों को चेकिंग भी की जा रही है और पुलिस जनता कर्फ्यू को बरकरार रखने के लिए जनता को सख्त हिदायत दे रही है जिससे कोरोना वायरस को मात दी जा सकती है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी बुलंदशहर व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी लगातार जिले को अलर्ट रखने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं जिससे कि कोई भी कोरोना वायरस का मरीज मिलने पर दहशत ना फैले तथा जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिले की जनता को साफ तौर पर घर में रहने के लिए निर्देश दिए हैं और कहा है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक कार्यों से घर से बाहर ना निकले। बुलंदशहर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है जिला बुलंदशहर के हापुड़ और जिला बुलंदशहर की सीमा पर जहां कोतवाली क्षेत्र शाना की सराय चौकी पड़ती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जो दृश्य शाना पुलिस द्वारा मुस्तैदी के लिए लगाया गया है, शाना पुलिस बल तैनात किया गया है। बुलंदशहर पुलिस ने अपनी पूरी सतर्कता बरत रखी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा पूरा दृश्य दिखाने की, अपने कैमरे में कैद करें और लगातार पुलिस बल अपनी सतर्कताएं को लॉकडाउन की स्थिति को बरकरार रखने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को सतर्क दिखाने के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि प्रेक्षक की तरफ अपने कैमरा की निगरानी तो करते हुए देखा जाए तो लगातार कोशिशों के बावजूद जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष के आदेशों के अनुसार छोटे स्तर के अधिकारी भी अपनी भूमिका अहम निभा रहे हैं। लगातार वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार वो अपनी सतर्कता और अलर्ट अपने पूरी जनता को किस प्रकार जागरूक कर रहे हैं। आइए जानते हैं सर, किस प्रकार जनता को आप निर्देश दे रहे हैं और किस प्रकार जनता से आप रुकने के लिए ठहरने के लिए किस प्रकार आप निर्देश कर रहे हैं। जनता को कोरोना से बचाने के लिए, जनता को घर में रहने के लिए आदेश दिया जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में रहो और एक दूसरे से दूरी बना कर रहो। अगर किसी तरह की कोई संभावना होती है तो आप 108 या 112 पर संपर्क करें, ये जनता को बताया जा रहा है। क्या सर, अभी तक आपने जितने लोगों का, आम जनता का प्रशिक्षण किया है, कोई कोरोना किसी मरीज में पाया गया है या किसी प्रकार की कोई मरीज आपके दृष्टि में कोई आया है? मैं कल से लगातार ड्यूटी पर हूँ। यहाँ पर जो भी आदमी आ रहे हैं हम सबका टेस्ट करा कर रहे हैं, टेस्ट मशीन है हमारे पास में, इसके द्वारा अब तक ऐसा कोई मरीज हमारे सामने नहीं आया। सर मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि जनता अपने आपकी बात को कितना अनुपालन कर रही है, आपकी बात को पालन कर रही है? आप भी आप जनता को बार बार निर्देश दे रहे हैं, क्या जनता भी आपका सहयोग कर रही है? जनता को जिसको भी हम बता रहे हैं जनता पूरा सहयोग कर रही है और जिसको नहीं मालूम वो आ रहा है, जिसको मालूम है और लोग अपने घरों पर हैं और उसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से निवेदन करके बता रहे हैं कि आप अभी सभी अपने घरों में रहें और सब हमारे देश के साथ चलें, यही मैं सबको समझा रहा हूँ और ये जनता बहुत अच्छा हमारा सहयोग कर। तो हमारे साथ बुलंदशहर पुलिस के कुछ अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें बुलंदशहर पुलिस लगातार कोरोना वायरस को लेकर बहुत सतर्कता से अपनी जुटी हुई है। कैमरामैन विकास के साथ मुकेश कुमार, समाचार एक्सप्रेस न्यूज बुलंदशहर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.